हिंदू सिख एकता के लिए भी और सिखी के लिए भी। जो काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया है, ये हमको याद रखना चाहिए। हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई पंजाब की भूमि के रहने वाले बड़ी संख्या में विदेशों में हैं और सबका लगाव और सबका जुड़ाव और सबका आदर हरमंदिर साहब के प्रति रहा है। हरमंदिर साहब जो भी आता है माथा टेकता है, शीश टिकाता है। मैं अमृतसर जाऊं और अगर मैं हरमंदिर साहब ना जाऊं, मेरा अमृतसर जाना ही गलत है। मैं इसको मानता ही नहीं जब तक मैं हरमंदिर साहब में जाकर के माथा न टेकूं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाहर के लोग जो हमारे हिंदू सिख भाई बाहर पंजाब की भूमि के रहते हैं, वह हरमंदिर साहब को दक्षिणा दान जो हम डालते थे वह नहीं डाल सकते थे क्योंकि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको उसको देने की आजादी नहीं थी। ये मोदी जी थे जिन्होंने FCRA का अप्रूवल हरमंदिर साहब को दिलाया। आज दुनिया भर के लोग अपना चढ़ावा हरमंदिर साहब में वहां के विकास के लिए और धर्म के विकास के लिए वो अपना दे सकते हैं। ये काम किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने। इतने नेता आए, दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे, बड़े बड़े औहदे संभाले, लेकिन किसी ने भी इसकी चिंता नहीं की। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमारे इतने गुरुद्वारे हैं देश भर में, हमारे इतने डेरे हैं, गुरुद्वारों पर लंगर पर टैक्स लगता था। लंगर पर जो सामान भोजन के लिए आता था उस पर टैक्स लगता था। कोई नहीं पूछ सका, किसी ने नहीं सुद ली। आज मोदी जी ने गुरुद्वारों के लंगर पर से टैक्स हटा दिया है और GST और IGST का 350 करोड़ रुपए सालाना भारत सरकार उसका भुगतान करती है। ये हमको ध्यान रखना। कभी सोचा था? आज जो लोग जिस तरीके से खड़े होकर के बात करते हैं, जो काम मोदी जी ने किया वो किसी ने किया? पर आप बताइए, पाकिस्तान और भारत का विभाजन 47 में हो गया, नानक साहब जाना हमारे लिए दूभर हो गया, वीजा लेकर के जाना पड़ता था, पासपोर्ट लेकर के जाना पड़ता था। इतने सालों से बोल रहे थे कि हम नानक साहब के दर्शन कर सके, हम वहां जा सके, नानका साहब जा सके, किसी ने भी करतारपुर कॉरिडोर की बात की सुध नहीं ली। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया, उन्होंने पाकिस्तान से बात की, 120 करोड़ रुपए खर्च करके कॉरिडोर बना करके दिया और आज आप वहां दर्शन करने जा सकते हैं, यह परिस्थिति ला चुके। उसी तरीके से गुरु नानक जी की वाणी, गुरु नानक जी के द्वारा कहे हुए शब्द, उनका रिसर्च वह सारे देश में फैले, इसके लिए भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरस्टेट फेथ, इस बात के लिए वहां पर भी उसकी व्यवस्था की गई और 67 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ इस शिक्षा के लिए कि गुरु नानक जी की वाणी, गुरु नानक जी के कही हुई बात ये दुनिया भर में फैले और दुनिया भर में जो उन्होंने काम किया उसको बताया जाए, इसके लिए 67 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके वहां पर उस काम को शुरू किया, रिसर्च शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह जी का 350 प्रकाश पर्व मनाया गया, जिस धूमधाम से मनाया गया और जिस तरीके से भारत सरकार में मोदी जी के संरक्षण में और मोदी जी की देखरेख में ये प्रकाश पर्व मनाया गया, क्या हम भुला सकते हैं इसको? सारी पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार थी, हमने ये नहीं देखा कि ये सरकार किसी और की सरकार है, हमने ये देखा कि पंजाब के लोग हमारे हैं, उनके द्वारा ये गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने कहा।